Asslam-o-Alikum, e-commerce management ki third exercise hai. Gaur se dekhiye kyunki ye exercise jo hai wo thodi si samajhne wali hai, understand karne wali hai, thodi si jo hai wo tricky hai, isliye aapko jo hai video complete dekhni padegi. Learning outcome ye hai ki digiskills.pk ke upar seller central account kis tarah se create kiya jata hai, products kis tarah se list kiye jate hain aur vouchers jo hai wo kis tarah se create kiye jate hain. Problem statement mein aapke paas hai 4 questions. पहला क्वेश्चन ये है कि आपको जो है वो सेलर सेंट्रल का अकाउंट क्रिएट करना है digiskills.pk के ऊपर, और सेकंड में आपको जो है वो एक प्रोडक्ट वहाँ पे ऐड करनी है digiskills.pk के ऊपर, थर्ड में आपको जो है वो वाउचर्स जो है वो क्रिएट करने हैं फॉर द स्टोर फॉलोअर, और फोर्थ वाले में रेगुलर चैनल के लिए आपने जो है वो एक परसेंटेज वैल्यू वाउचर जो है वो क्रिएट करना है. सबसे पहला हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें हमने जो था वो digiskills.pk के ऊपर जो है अपना अकाउंट क्रिएट करना है, यानी कि सेलर अकाउंट क्रिएट करना है. digiskills सेलर सेंट्रल सेलर अकाउंट, सेलर सेंट्रल अकाउंट लिखेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह से रिजल्ट्स आ जाएंगे. आपने digiskills सेलर सेंटर के ऊपर जो है वो क्लिक कर लेना है. जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएंगे digiskills की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पर आपको जो है वो सेलर सेंटर क्रिएट करने के लिए तमाम जो प्रोसेस है वो देखने को मिल जाएगा. ठीक है, तो ये जो है वो थोड़ा सा समझने वाला है, अंडरस्टैंड करने वाला है. तो ये आपने कोई भी पार्ट काइंडली स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आपने एक भी पार्ट जो है वो स्किप कर दिया तो आपको जो है वो समझ नहीं आएगी. ठीक है, इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा. सबसे पहले आपने जो है अपना फ़ोन नंबर देना. फ़ोन नंबर आपने ये सोच रहे होंगे कि कुछ जो है वो वर्क नहीं करते, लेकिन क्योंकि दराज जो है वो पाकिस्तान ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो यहाँ पर जिस भी सिम को आप यूज़ करते हैं उसका नंबर जो है वो आप यहाँ पर देंगे. आपका जो नंबर है वो 92, क्योंकि यहाँ पर कंट्री कोड लिखा आ रहा है, तो इसलिए आपने 0 वगैरह नंबर लिखना. उसके बाद आपने जो है वो वेरिफिकेशन कोड के ऊपर क्लिक कर देना है, और वेरिफिकेशन कोड जो है वो आपके व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आएगा. ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप तो हर किसी का होता है, इसलिए वो जो है वो व्हाट्सएप के नंबर पे आएगा. उसके बाद आपने क्या करना है जी, अपना जो कोड आएगा वहाँ से उसको वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने के बाद आपको नीचे एक स्लाइड नज़र आ रही होगी, वो आपको ये कहेंगे कि आपने जो है वो इस स्लाइड को कम्प्लीटली पुश करना है जितनी देर तक ये जो है वो कम्प्लीटली ग्रीन नहीं हो जाती. ठीक है, तो आपने उसको पुश कर देना. उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना. ठीक है, जैसे ही आपका जो है वो फ़ोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद आपके सामने जो है वो नेक्स्ट विंडो आ जाएगी, जिसके अंदर आपको अपना सारा डिटेल देनी होगी, यानी कि आपका सेलर सेंट्रल का पासवर्ड क्या होगा, कंफर्म पासवर्ड करना होगा, सारी कोड्स वगैरह. ठीक है, जैसे ही आपका जो नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा, उसके सामने आपके सामने जैसे अभी जो है वो स्क्रीन नज़र आ रही है ना, थोड़ा सा पॉपअप यहाँ पे आपको कह रहा है कि रिलीज़ द स्लाइडर इमीडिएटली आफ्टर वन डक फुली अपीयर. अब आपने क्या करना है, नीचे आपको स्लाइडर नज़र आ रहा है, आपने जो है वो स्लाइड पुश करनी है जितनी देर तक आपको एक डक जो है वो कम्प्लीटली विजिबल नहीं हो जाती. ठीक है, तो आपने जो है वो इस तरह से कर ली, और आपने जो है वो इसको छोड़ देना है. हो सकता है आपको जो है वो एक दफ़ा ये जो है वो ना काम करे, इसलिए आपने जो है वो इसको रिफ्रेश कर लेना. रिफ्रेश करने के बाद आपने जो दूसरी पजल आएगी उसको जो है वो ऊपर पढ़ लेना, उसके बाद आपने जो है वो इसको उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना, तो ये आपका जो है वो चेक हो जाएगा. उसके बाद आपने जो है वो अपनी सारी डिटेल यहाँ पे एंटर करनी है. फ़ोन नंबर क्या है, आपका ईमेल क्या है, आपका पासवर्ड क्या, आपका कंफर्म पासवर्ड क्या है, आपका कोई रिडीम है तो कोड है तो वो आप जो है वो यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा. उसके बाद आपको जो है वो नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है. जैसे ही आप जो है वो नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो सेलर सेंटर का जो डैशबोर्ड है वो अपीयर हो जाएगा. जैसे ही आपके सामने जो है वो डैशबोर्ड अपीयर हो जाए, आपने उसका जल्दी से जो है वो एक स्क्रीनशॉट ले लेना, और उसको अपने फर्स्ट वाले टास्क के अंदर सबमिट करा देना. जल्दी से इसलिए कहा है क्योंकि अगर आप जो है वो थोड़ा सा भी डिले करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको जो है वो अलॉट ऑफ डिफरेंट डिटेल्स जो हैं वो अप्लाई करनी पड़ेंगी. लाइक आपका जो फ़ोन नंबर है, आपका एड्रेस क्या है, आपका बैंक कोड, आपका IBN नंबर, ईच एंड एवरीथिंग. तो हो सकता है कि किसी का जो है वो बैंक अकाउंट ना हो, किसी को जो है वो अभी ज़रूरत ना हो दराज का सेलर सेंट्रल अकाउंट क्रिएट करने की, तो इसलिए जो है वो मैंने आपको ये कहा है कि आपको जो है वो जल्दी जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, जैसे ही आपके सामने जो है वो पेज डैशबोर्ड दराज सेलर सेंट्रल का अपीयर हो जाए. ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपका थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से भी जो है वो इस तरह से आ सकता है कि आपको जो है वो नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा ये वगैरह, लेकिन आप जो है वो एक या दो दफ़ा रिफ्रेश करेंगे तो आपका जो नंबर है वो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो वेरीफाई हो जाएगी. ठीक है, इतना ज़रा टाइम ही लगता तो जल्दी जल्दी से जो है वो ये हो जाएगी. तो अब मैं क्या करती हूँ जी, मैंने यहाँ पे सारी डिटेल जो है वो प्लेस करनी है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं जी अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ. लेकिन उससे पहले जो है वो मैं यहाँ पर सारी डिटेल जल्दी जल्दी से एंटर कर लूँ.
ठीक है, तब तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो दूसरों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो दूसरों को समझ नहीं आएगी ना कि उनको जो है वो फाइल किस तरह से सॉल्व करनी है। अच्छा, मैं आपको ये पहले कह रही थी वीडियो पे कि आपको जो है वो ये जो एक्सरसाइज है वो समझनी पड़ेगी, थोड़ी सी ट्रिकी है। ट्रिकी इसलिए है कि समटाइम्स जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे होते तो कभी आपका नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा होता, कभी आपको कोड नहीं रिसीव हो रहा होता, कभी आप जब प्रोडक्ट वहाँ पे लिस्ट कर रहे होते हैं, ऐड कर रहे होते हैं, तो वो जो है वो आपके सामने पिक्चर्स जो है वो अपलोड नहीं हो रही होती, क्योंकि उसका साइज़ जो है वो जो हमने इमेजेस पिक करनी होती है वो उसे मैच नहीं कर रही होती। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको समझने के लिए वीडियो कम्प्लीट देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने जो है वो नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं जो हूँ वो नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करके इस तरह से मेरे पास पेज आएगा, तो आपने जल्दी जल्दी से इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, दिस इज बेसिकली द डैशबोर्ड ऑफ द दराज सेलर सेंटर अकाउंट। ठीक है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन विद इन सेकेंड आपके सामने जो है वो ये वाली जो पेज है वो डिसअपियर हो जाएगा और आपके सामने जो है वो बाकी डिटेल फिल करने के लिए जो है वो इस तरह से जो है वो पेज आ जाएगा, जहाँ पे आपने अपनी सारी डिटेल एंटर करनी होगी, जहाँ पे आपका स्टोर नेम है, ईमेल एड्रेस आपको लाजमी एंटर करना है और मोबाइल नेम जो है वो आपका नंबर जो है वो आपका पहले ही आ रहा होगा। उसके बाद आपने जो है वो पासवर्ड वगैरह सेव कर लेने हैं और यहाँ पर जो है वो मैं क्या करती हूँ जी, मैंने अपना ईमेल जो है वो पहले एंटर करना है और एंटर करने के बाद हम जो है इसको दोबारा से लॉगिन करेंगे ताकि हम अपने दराज सेलर सेंटर के अकाउंट के अंदर डायरेक्टली पहुंच जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जल्दी से नंबर जो है वो प्लेस कर देती हूँ, सॉरी नेम स्टोर का जो है वो प्लेस कर देती हूँ। आपका जो भी स्टोर का नाम है जिससे भी रिलेटेड आप रखना चाहें, आपका स्टोर किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो नाम रखना रख सकते हैं। उसके बाद ईमेल एड्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे, एंटर ईमेल करना है, आपकी ईमेल के ऊपर जो है वो आपको एक कोड रिसीव होगा। आपको जो है वो क्या करना है, उस कोड को यहाँ पे प्लेस कर देना एंड नेक्स्ट के बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना। ठीक है, ये जो आपको पॉपअप नज़र आ रहा है नेक्स्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। उसके बाद जो है वो आप नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा उस तक पहुँच जाएंगे, जहाँ पे आपको लिखा हुआ है ऐड एड्रेस। तो ऐड एड्रेस के ऊपर आपने क्या करना है, जैसे ही आप जो है वो ये बॉटम में आपको नेक्स्ट का बटन नज़र आ रहा है ना, तो नेक्स्ट का बटन आप लिखेंगे तो आप जो है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है वो स्टोर का नाम ऐड कर दिया, हमने जो है वो अपना ईमेल एड्रेस ऐड कर दिया, हमने जो है वो मोबाइल नंबर हमारा पहले से ही आ रहा था, इसलिए हम जो है वो डायरेक्टली नेक्स्ट पेज के ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पे जब आप इस स्टेप पे आए ना, जो फर्स्ट वाला स्टेप है जहाँ पे आपको अपना स्टोर नेम जो है वो फाइनलाइज करना है, यहाँ पे प्लेस करना है, तो यहाँ पे आपका स्टोर का नाम कंपलसरी है, आपका ईमेल एड्रेस कंपलसरी है। अगर आप ये दोनों चीज़ें जो है, फॉर एग्जांपल अगर आप स्टोर का नाम जो है वो प्लेस कर भी लेते हैं, लेकिन अगर आप जो है वो ईमेल एड्रेस यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करते तो आप जो है वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ कभी भी मूव नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करना लाजमी है। लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो ऑलरेडी जो है वो फिल्ड होगा, क्योंकि हमने जो है वो पहले से ही इसको नाम रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको जो है वो एक ज़रूरी बात बता दूँ, जैसे इन्होंने हमें सामने इंपॉर्टेंट टिप्स पे लिखा हुआ है कि आप जो है वो दराज या दराज हब के नाम से इस तरह के कोई भी स्टोर का नाम नहीं रख सकते। ठीक है, लाइक आप जो है वो अगर अपने नाम के साथ कोई हब लगाना चाहते हैं, किसी भी तरह का लगाना चाहते हैं हब, तो आप लगा सकते हैं, लेकिन आप दराज हब या दराज से रिलेटेड कोई भी वर्ड जो है वो यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। आप यहाँ पे अपने स्टोर का जो है वो यूनिक नाम रखेंगे, या तो अपने नाम से रिलेटेड रखेंगे या फिर जो भी आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी। उसके बाद आपको जो है वो यहाँ पे एड्रेस देना है। एड्रेस देने के बाद आपको क्या करना है जी, नेक्स्ट आपको नज़र आएगा वेरीफाई ई आई डी एंड बैंक। एड्रेस देने के बाद आपको जो है वो इस पेज पे आ जाना है और यहाँ पे आपने अपनी सारी डिटेल ऐड करनी है। यहाँ से आपसे ये पूछेगा कि आपने अपना अकाउंट जो है वो एज एन इंडिविजुअल रन करना है या फिर आप जो है वो इसको बिजनेस के तौर पे, यानी कि आप जो है वो बिजनेस मतलब कि आपका जो है वो सोल ट्रेडर है, इस तरह से इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है, यानी कि अ लॉट ऑफ पीपल जो है वो आपके बिजनेस में काम करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने जो है वो इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा जब आप ये कैटेगरी जो है वो चूज़ कर लेंगे। आपने जो है वो इंडिविजुअल जो कैटेगरी है उसको चूज़ करना है और यहाँ पे आपने सारी डिटेल देनी है, जैसे आपको नज़र आ रहा है आपका आईडी कार्ड का फर्स्ट फेज, आपका आईडी कार्ड का सेकंड फेज। तो आपने क्या करना है, आपने एक न्यू टैब के ऊपर दराज सेलर सेंटर लिखना है और उसके बाद आपने जो है वो
इसको ओपन कर लेना तो आपके सामने उसका डैशबोर्ड अपीयर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बैंक की डिटेल तो हम दे नहीं रहे। उसके बाद हमारे सेकंड टास्क था कि हमने अपने प्रोडक्ट जो थी वो ऐड करनी थी। प्रोडक्ट हम किस तरह से ऐड करेंगे, जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसका आपने जो है वो गूगल पर सर्च कर लेना। गूगल पर सर्च करने के बाद अगर आप इस तरह से इमेज सेव करते हैं ना, जैसे मैं जो हूँ वो अभी इसी पेज के ऊपर जाके डायरेक्टली जो है वो सेव कर रही हूँ राइट क्लिक करके, तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप जब भी अपनी प्रोडक्ट जो है वहाँ पर ऐड करने जाएंगे ना ऐड प्रोडक्ट के सेक्शन के ऊपर दराज में जाके, तो आपकी प्रोडक्ट अभी भी यहाँ पे प्लेस नहीं होगी, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो इमेज आपने यहाँ पे प्लेस करनी है उसको आपने राइट क्लिक करके ओपन लिंक के न्यू टैब के ऊपर जो है वो ओपन कर लेना है। देखिए मैं आपके सामने अभी करके भी दिखाया कि मैंने जो इमेज सिंपली जो है जैसे मुझे नज़र आ रही थी उस तरह मैंने ओपन की, तो मेरे पास वो जो है वो ओपन नहीं हुई। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे एक इमेज जो है वो आपने सबसे पहले ओपन लिंक के न्यू टैब के ऊपर जाके इसको ओपन करना है, उसके बाद आपने इसको जो है वो सेव करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं ओपन करी हूँ ना, ये देखें ओपन लिंक के न्यू टैब, 3 इमेजेस जो है वो या 4 इमेजेस जो है वो मैंने यहाँ पे उस तरह से ओपन कर ली, तो ये मेरे पास पूरी तरह से ओपन हो गया। इसको मैं जो है वो क्लोज कर लेती हूँ, ठीक है। इस तरह से ये मेरे सामने इमेज आ रही है ना, तो मैं आपको जो नज़र आ रहा है सेव एज टाइप, जहाँ पे भी वेब पेज लिखा होगा आपने वो सेव नहीं करनी। लाइक ये इमेज मैंने ओपन की थी, इसको मैं सेव एज के ऊपर क्लिक करती हूँ तो नीचे सेव एज टाइप नज़र आ रही है, JPG और PNG फॉर्मेट के अंदर आपने सारी इमेजेस जो है वो लेनी है, सेव करनी है, ताकि हम जो है वो नेक्स्ट अपना जो टास्क है वो परफॉर्म आउट कर सकें। अगर आपकी वेब पेज आती है तो आपने वो वाली इमेज जो है वो छोड़ देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो है वो एक एक इमेज ओपन करके उसको सेव किया है, और उसके बाद हम जो है वो वन बाय वन यहाँ पे इमेज जो है वो अपनी प्लेस करेंगे। बल्क में आपने इमेजेस प्लेस नहीं करनी, क्योंकि अगर आप बल्क में प्लेस करेंगे तो सारे इमेजेस पे ये आएगा कि इसकी विड्थ जो है वो कम है, या इस तरह से होने चाहिए थे, या फलाना टमकाना इस तरह से, इसलिए आपने जो है वो सिंगल सिंगल इमेज यहाँ पे प्लेस करनी है। देन कन्फर्म टू अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही आप कन्फर्म टू अपलोड के ऊपर क्लिक कर दें, उसके बाद जो है वो आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। आपने जो भी प्रोडक्ट लिस्ट की है, ऐड की है, उसकी हेडिंग क्या होगी, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देनी है। मैं आपके सामने जो है वो सेफ और सेफ प्रोडक्ट की जो हेडिंग है वो बता देती हूँ, बाकी डिस्क्रिप्शन जो है वो भी आपने यहीं से पिक कर लेनी है। मैंने क्या किया जी, यहाँ पे मैंने एक दराज का एज ए विजिटर, जैसे हम जो है दराज ओपन करते हैं, तो मैंने जो है वो उसको ओपन कर लिया, और ओपन करने के बाद मैं क्या करूँगी जी, कोई भी प्रोडक्ट स्मार्ट वॉच से रिलेटेड ओपन करूँगी, और ओपन करने के बाद उसका जो टाइटल होगा वो मैं करूँगी क्या, कॉपी पेस्ट। फॉर एग्जांपल मुझे एक ये नज़र आ रही थी, मैंने इसको कर लिया ओपन, और ओपन करने के बाद जी यहाँ पे इसका टाइटल लिखा हुआ नज़र आ रहा, न्यू i8 Pro Max स्मार्ट वॉच ब्लूटूथ खाना टमकाना। इसको आपने जो है वो कॉपी पेस्ट कर देना, लेकिन इसमें जो है वो थोड़ी सी चेंजिंग आपने कर देनी है, क्योंकि अगर आप चेंजिंग नहीं करेंगे ना तो फिर आपका यहाँ पे सबमिशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो है वो सेम टू सेम किसी की और की टाइटल वगैरह जो है वो कॉपी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आपकी रिकमेंडेड कैटेगरी क्या होगी, तो मैंने वो वाली पिक कर ली, लेकिन यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है सबमिट फेल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो हूँ वो दोबारा से ये सारी चीज़ें ऐड करूँगी। उसके बाद अगर मैं आपको राइट साइड पर टॉप पे दिखाऊँ, जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्योंकि आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैं जो है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको टाइटल जो है वो ऐड करके दिखाऊंगी। जैसे जैसे आप जो है वो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते जाएंगे, आपको इसी तरह से डिस्क्रिप्शन, अगर वेरिएशन है आपके प्रोडक्ट के अंदर, प्राइस की, स्टॉक की, इस तरह से आपने जो है वो ऐड करनी है। सर्विसेज या वारंटी का कोई प्रोसेस है तो वो आपने ऐड करते जाना, जैसे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। साइड पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने जो है वो थोड़ी सी चेंजिंग कर ली थोड़ी बहुत, और उसके बाद आपको जो है वो अगर उर्दू में लिखना है अपने प्रोडक्ट का टाइटल, तो आप जो है वो उर्दू में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो इस तरह से प्लेस कर दी, और ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी आ गई। यहाँ पे मैं फिर आपको बता रही हूँ डिस्क्रिप्शन वगैरह मैंने ऐड नहीं की, और इस चीज़ का मैं जो हूँ वो स्क्रीनशॉट लेंगी, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं इसको अपने सेकंड वाले टास्क के अंदर सबमिट कराऊंगी। तो यहाँ पे हमारे जो 2 टास्क हैं वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, यानी कि कम्प्लीट हो जाते हैं, ठीक है। पहले टास्क का आपको नज़र आ गया कि इस तरह से डैशबोर्ड का आपने स्क्रीनशॉट लेना है, सेकंड में आपने जो है वो ऐड प्रोडक्ट की कैटेगरी में जाके प्रोडक्ट ऐड करनी है और उसको सबमिट कराने से पहले स्क्रीनशॉट ले लेना है, थर्ड में आपने जो है वो मनी वैल्यू वाउचर जो है वो क्रिएट करना है। यहाँ पे आपको लिस्ट नज़र आ रही है, जहाँ पे आपको एक लव्स लिखा नज़र आ रहा है सेलर टूल, ठीक है। यहाँ पे मैं जो हूँ वो
کیونکہ مجھے جو ہے وہ اس کو ایز سچ سبمٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے, تو اس کو میں جو ہوں وہ سیف ڈرافٹ کر دیتی ہوں, تو کیونکہ میں جو ہے صرف آپ کو سمجھا رہی ہوں یہاں پہ, لیکن جب آپ ایکچوئل میں کام کر رہے ہوں گے تو تب آپ کو جو ہے وہ سبمٹ ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ اس لیے میں جو ہوں وہ چینجز لیو کر رہی ہوں. آپ کو سیلر ٹول کے اوپر آنا ہے, اور سیلر ٹول کے اوپر آپ کو جو ہے وہ سیلر واؤچر کے اوپر کلک کر دینا, ٹھیک ہے؟ سیلر ٹولس کے اندر جا کے کمپین کے نیچے سیلر واؤچر آپ کو جو ہے وہ نظر آئے گا, تو آپ نے سیلر واؤچر کے اوپر کلک کرنا ہے, آپ کے سامنے اس طرح سے انٹرفیس آ جائے گا, ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے جی, یہ سارا ویو آپ کو نظر آ رہا ہے. اب یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ جو بھی آپ واؤچر کریٹ کریں گے یہ آپ کو باٹم میں جو ہے وہ دکھائی دے گا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, واؤچر کریٹ کس طرح سے کرنا ہے, ایڈ نیو واؤچر جو آپ کو بلو میں نظر آ رہا ہے ٹاپ پہ, یہاں پہ آپ کو کلک کر دینا ہے, اور کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ساری ڈیٹیل فل کرنی ہے. سب سے پہلے تو واؤچر کا ٹائپ آپ سے پوچھا ہے, وہ کلیکٹیبل واؤچر ہی رہنے دیجیے گا. واؤچر کا نیم کیا ہوگا, لائک میں لکھ دیتی ہوں جی سیلز واؤچر, ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ڈسکاؤنٹ ٹائپ ہے نا وہ ہمیں انہوں نے کہا تھا منی ویلیو واؤچر ہونی چاہیے, فرسٹ اور فالوورز. تو ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, منی ویلیو واؤچر جو ہے وہ آٹومیٹیکلی یہاں پہ سلیکٹ ہے, تو ہم اس کو ہی رہنے دیتے ہیں. اس کے بعد ڈسکاؤنٹ ویلیو جو ہے وہ 20% رکھی ہے, اور منیمم آرڈر ویلیو کیا ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ 3000 کی شاپنگ کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ 20% جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ ملتا ہے, ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ کیا نظر آ رہا ہے, کلیکٹ اسٹارٹ ٹائم, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایڈ کرنی ہے. لیکن یہاں پہ اگر آپ کو دکھاؤں میں ڈسپلے ایریا, تو یہاں پہ ہم اگر دیکھیں تو ڈسپلے ایریا میں انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ نے کس کے لیے بنانی تھی, آئی تھنک سو اسٹور کے لیے بنانی تھی, تو یہاں پہ ہمارے پاس اسٹور کا آپشن جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے, ٹھیک ہے؟ تو ہم جو ہے اس کو ریگولر چینل کے اوپر ہی رہنے دیں گے. تو یہاں پہ میں نے جو ہے وہ ریڈیم ڈیوریشن جو ہے وہ سیٹ کر لیا ہے, جتنی دیر تک آپ یہ سیٹ نہیں کریں گے اتنی دیر تک آپ جو ہے وہ اس کو سبمٹ نہیں کرا سکیں گے. ڈسپلے ایریا آپ کو ریگولر چینل رہنے دینا, ٹوٹل واؤچر جو ہے 50 ہے. اس کے بعد یوزر لمٹ پر کسٹمر جو ہے وہ آپ 8-10 جتنی بھی رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اپلائی ٹو انٹائر شاپ ہی رہنے دینا, ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ سبمٹ کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے, لیکن اس سے پہلے آپ نے جو ہے وہ اس کا اسکرین شاٹ لینا اور اس کو اپنے تھرڈ والے ٹاسک کے اندر سبمٹ کرا دیں, ٹھیک ہے؟ اس طرح سے اس کو میں نے کیا کاپی. کاپی کرنے کے بعد میں آگے جی یہاں پہ, اور یہاں پہ آنے کے بعد میں نے تھرڈ والے میں اس کو سبمٹ کرا دیا. فور والا یہ ہے کہ آپ نے پرسنٹیج ویلیو واؤچر کریٹ کرنا فار ریگولر چینل, ٹھیک ہے؟ تو اب وہ ہم کس طرح سے کریٹ کریں گے, وہ ہم اس طرح سے کریٹ کریں گے کہ ہم دوبارہ سے چلے جائیں گے اس کے اوپر ہی, اور یہاں پہ جو ہے وہ میں کیا کرتی ہوں جی سبمٹ کے اوپر کلک کر دیتی ہوں, ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ہمارا جو واؤچر ہے سیلز واؤچر وہ سکسیزفلی سبمٹ ہو چکا ہے. اب میں آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے جا کر بھی دکھا دیتی ہوں. یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نا ڈی ایکٹیویٹ, اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ سے پوچھے گا آپ ڈی ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اس کو ڈی ایکٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو جو ہے وہ اس کو ایکٹیویٹ ہی رکھنا ہے, ٹھیک ہے؟ اگر اس میں کوئی چینجنگ کرنی ہے تو پینسل کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ جو ہے وہ اس میں چینجنگ کر سکیں گے. لیکن کیونکہ ہمارا جو اکاؤنٹ ہے یہاں پہ فلی ہم نے جو ہے وہ ویریفائی نہیں کیا, کریٹ نہیں کیا ہوا, اس لیے جو ہے وہ ہمیں کچھ آپشنس جو ہیں وہ نہیں ملیں گے, اس لیے آپ نے جو ہے وہ اتنا سا اسکرین شاٹ پلیس کرنا ہے. لیکن جب آپ ایکچوئل میں کام کر رہے ہو تو آپ نے ساری ڈیٹیل یہاں پہ فل اپ کرنی ہے. اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ یہ بنانا تھا, تو یہاں پہ واؤچر کی ٹائپ جو ہے واؤچر کوڈ رکھ لیتی ہوں, ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے کلیکٹیبل رکھنا ہے تو آپ کلیکٹیبل بھی رکھ سکتے ہیں, دیر از نو ایشو. اس کے بعد ہے جی واؤچر کوڈ, یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ واؤچر نیم ہے, تو واؤچر کوڈ ہے, ہاں جی واؤچر کوڈ ہمارے پاس کیا ہوئے گا اسمارٹ, اور اس کے بعد کوئی بھی نمبر میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیا. اس کے بعد واؤچر کا نام کیا ہوئے گا, یہ میں نے جو ہے وہ اس طرح سے کچھ بھی نام جو ہے وہ یہاں پہ دے دیا اپنے مطابق. اس کے بعد ڈسکاؤنٹ ٹائپ جو ہے وہ آپ کو کیا رکھنی ہے, پرسنٹیج ویلیو واؤچر, تو یہاں پہ ہم نے رکھ لی. اس کے بعد ڈسکاؤنٹ ویلیو جو ہے وہ فار ایگزامپل میں رکھ لیتی ہوں 10%. اس کے بعد منیمم آرڈر ویلیو جو ہے وہ کتنی ہوگی 2000, اور اس کے بعد میکسیمم ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ ہم کتنا دیں گے 15, ٹھیک ہے؟ اس طرح سے. لیکن اگر آپ کا ڈسکاؤنٹ ویلیو اوپر 10 ہے تو آپ نیچے بھی 10 ہی رکھیے گا, میں نے 15 رکھ دیا. اور یہاں پہ آپ کو کیا کرنا تھا, آپ کو ریگولر چینل کے اوپر جو ہے وہ ڈسپلے ایریا رکھنا تھا, تو وہ ہمارا آٹومیٹیکلی ریگولر چینل ہی ہے. اس کے بعد ریڈیم ڈیوریشن آپ سے پوچھ رہا ہے, تو آپ نے جو ہے وہ ریڈیم ڈیوریشن یہاں پہ پلیس کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ میں جو ہوں وہ ریڈیم کا ڈیوریشن جو ہے وہ پلیس کر لیتی ہوں. یہ ساری چیزیں آپ نے جو ہے فل اپ کر کے اس کے بعد آپ نے جو ہے اسکرین شاٹ لینا ہے, اور پھر آپ نے جو ہے وہ سبمٹ کرانا ہے, ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر آپ کوئی بھی بلینک جو ہے وہ خالی چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کا جو واؤچر ہے وہ سبمٹ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو جو ہے وہ ایرر شو کرے گا. تو یہ ہماری تھی ایکسرسائز چھوٹی سی,
उम्मीद है जो वीडियो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो रेंज का जो ड्यूरेशन है वो यहाँ से मैं जो हूँ वो सबसे पहले सेलेक्ट करूँगी, उसके बाद यूज़र लिमिट पर कस्टमर जो है वो मैं सेलेक्ट करूँगी और फिर जो है हम सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये इस तरह से मैंने जो है वो प्लेस कर दी और देन मैंने सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है वो सारी डिटेल शो कराना शुरू कर देगा। ठीक है, पहला जो हमने सेल्स वाउचर क्रिएट करा था वो उसका जो स्टेटस है वो ऑन गोइंग है और ऑपरेशन जो है वो उसका एक्टिवेट है। ठीक है, आपने जो भी चेंजिंग करनी है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नज़र आ रहा है जहाँ पे ऑल वाउचर लिखा हुआ है, उसमें दो कैटेगरीज है, एक कलेक्टिवल वाउचर की और एक है वाउचर कोड की। तो नेक्स्ट हमने जो था वो वाउचर कोड क्रिएट किया था, तो यहाँ पे हमें जो है वो वाउचर कोड की सारी डिटेल जो है वो नज़र आ जाएगी जो हमने सेकंड वाला वाउचर क्रिएट किया था। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज। उम्मीद है जो आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ आ गई होंगी। यहाँ पे मैं अगर आपको जो है वो वाउचर कोड के ऊपर क्लिक करके दिखाऊं तो वो भी आपको जो है वो आई होप नज़र आ गया होगा। यहाँ पे आपको जो भी चेंजिंग करनी है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं डिस्प्ले एरिया, तो यहाँ पे उन्होंने हमें कहा था स्टोर फॉलोअर के ऊपर आपने मनी वैल्यू वाउचर जो है वो क्रिएट करना, लेकिन जब हम क्रिएट कर रहे थे तो हमें जो है इस तरह का कोई भी ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए इसको हमने जो है वो रेगुलर चैनल ही रहने दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे जो है वो आप जाके चेंज भी करेंगे तो ये अनचेंजेबल है, यहाँ पे आपको चेंज नहीं होगा। यहाँ ऊपर आपको जो है वो कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं, वो आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, फिर आपको जो है वो अच्छी तरह समझ आ जाएगी, क्योंकि हमने जो है वो यहाँ पे सारी डिटेल ऐड नहीं की हुई। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो दूसरों के साथ शेयर करना ज़रूरी है और मुझे दुआ में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।